Hi everyone, welcome to current current. Start karte हमारा आज का वीडियो आज हमें डिस्कस करना है आपका यूनिट का चैप्टर नंबर थर्ड दिजियोजी एंड प्रोटिंग हेल्थ जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिसनल इस पे मैं कोर्स लेके आ रही हूँ आपके जेके एस एस बी सुपरवाइजर एग्जाम के स्पेशलाइजेशन का कोर्स हमारा चल रहा है जो की ऑलमोस्ट हमारा कवर होने वाला है प्लस आपको सेपरेट प्ले लिस्ट मिल जाएगी जीके कोर्स की जहाँ पे करेंटली हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करें और अगर आप यूपीएससी या स्टेट पी एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या आपको सोसाइटी कंपोनेंट पढ़ना होगा जाके जाके आगे जनरल जाके, स्टडीज का तो उसके लिए भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी नाम से तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है तो ये मेरा प्रोफाइल है फाइन स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का वीडियो हमें डिस्कस करना है फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ देखो इस जो हमारे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसमें पहले आपको एक बात समझनी है दैट यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट द डेप्थ कि आप बोलोगे मैंने वो वाले सोसाइटी के टॉपिक्स काफी डिटेल में आपको बोले एंड वो वीडियो काफी लंबे होते थे उसका रीजन था कि हमें उसमें काफी एक्ट्स एंड स्कीम्स वगैरह इंक्लूड करनी पड़ती थी जहां से आपके एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते थे लेकिन ये स्पेसिफिकली आपका जो हेल्थ रिलेटेड यूनिट फाइव है इसकी जो स्कीम्स है वो ऑलरेडी हमें यूनिट सिक्स में कवर कर रही हूँ ठीक है तो जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो लिंक पे क्लिक करना होगा एंड वहां से आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो जो हमारी हेल्थ बेस्ड स्कीम्स हैं न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम्स है ओल्ड डिसेबल्स जो भी हमारा हेल्थ का पोर्शन आता है वो सारा हम यूनिट सिक्स में कवर कर रहे हैं तो इसमें आपका जो वो फैक्चुअल पार्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं एक्ट वगैरह रिलेटेड स्कीम्स रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिलेटेड तो इसमें पहले ही वो शॉर्ट हो जाता है ठीक है तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ देखो पहले देखते हैं कि फिजियोलॉजी होता क्या है ये एक दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है फिजिक्स मींस नेचर एंड लोगोस मींस टू स्टडी ठीक है दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं फाइन अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में पहले समझाऊ फिजियोलॉजी क्या होता है देखो हमारी बॉडी में काफी ऑर्गन्स हैं काम करते हैं ठीक है हार्ट काम करता है किडनी है लिवर है लंग्स हैं तो इन सारे ऑर्गन्स की कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग प्रॉपर वर्किंग होती है हमारी बॉडी में जिससे एक जो इंडिविजुअल है वो एक स्टेबल हेल्थी लाइफ जी सके वो कंसर्न किसका है फिजोलॉजी का ठीक है तो सारा काम हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग कैसे होती है उनके फंक्शन कॉर्डिनेशन सारा कैसे होता है ताकि आपको एक अच्छी लाइफ मिले आप एक स्टेबल हेल्थी इंडिविजुअल की तरह रहो वो काम कौन देखता है वो स्टडी कौन करता है आपका फिजियोलॉजी तो अगर फिजियोलॉजी ये चीज़ स्टडी कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ऑर्गन्स की अगर ये ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे अगर कोई डिजीज होगी तो वो डिजीज भी कौन डिटेक्ट करेगा आपकी स्टडी किसकी फिजियोलॉजी की ठीक है तो फिजियोलॉजी जो है काफी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपके मेडिकल साइंस का जिसमें ये स्टडीज होती हैं आपकी बॉडी की ऑर्गन्स की सारी फंक्शनिंग कैसे हो रही है आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेसिस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ फंक्शन अब वो क्या फिजिकल केमिकल प्रोसेसिस हैं फॉर एग्जाम्पल केमिकल ले लो डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप खाना खाते हो कैसे ब्रेक डाउन होता है फिर कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है न्यूट्रिएंट्स कैसे एबजॉर्ब होते हैं ब्लड स्ट्रीम में वो सारा केमिकल प्रोसेस है तो वो भी इसका एरिया ऑफ कंसर्न है एंड फिजिकल प्रोसेस लाइक जब आप चलते हो ठीक है या आप दौड़ते हो साइकिलिंग करते हो आपके मसल्स की कंट्रेक्शन ठीक है वो सारी चीज़ें होती हैं तो फिजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं तो ये सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट में कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं वो ऑर्गन कैसे कोर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ वो सारा किसका कंसर्न है फिजियोलॉजी का वो फिजियोलॉजी स्टडी करती है इट इज कंसर्न विदिक एक्टिविटीज एज रिप्रोडक्शन ग्रोथ मेटाबॉलिज्म कॉन्ट्रैक्शन रिप्रोडक्शन आपको पता है ग्रोथ यू नो जो भी हम न्यूट्रिय बॉडी में लेते हैं उनसे कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन इज नथिंग बट योर इम्पल्स जनरेशन फॉर एग्जाम्पल आपके सामने चाय का कप पड़ा हुआ है आपको पीना है तो आपके ब्रेन से सिग्नल आएगी कि चाय का कप उठाओ और वो एक सिप ले लो उससे तो जो सिग्नल जेनरेट हुई दैट इज योर एक्साइटेशन एंड फिर आप मसल्स को लिटरली मूव करोगे वो जो आपके सामने कप है उसको उठाओगे उसको अपने मुंह तक ले जाओगे दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो ये सारी जो बेसिक एक्टिविटीज है ये फिजियोलॉजी का कंसर्न है ठीक है एंड ये जो एक्टिविटीज है ये कैरी आउट होती है इन सम Structure, वो क्या structure है जिनसे बनते बनते हैं आगे बनते हैं हैं आगे आपके organ systems of the body. तो ये ये सारे सारे के अंदर ही ये सारे काम हो रहे कॉन्ट्रैक्शन ठीक है तो फिजियोलॉजी क्या करता है इट एम्स टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स वापस एक बार टॉपिक पे आते हैं हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ आप टॉपिक को समझो फिजियोलॉजी पहले आपको बोलना इंपॉर्टेंट था कि आपको फिजियोलॉजी का बेसिक पता चले तो ये डिफिकल्ट नहीं है समझना आपके ऑर्गन्स बॉडी के कैसे फंक्शन कर रहे हैं ताकि आपका जो एक इंडिविजुअल है वो कैसे डिजीज फ्री लाइफ आराम से रह सकता है हेल्थी इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए उसकी ऑर्गन फंक्शनिंग बॉडी की कैसी होनी चाहिए ठीक है तो वो फिजियोलॉजी है अब आपका टॉपिक इसमें सिर्फ फिजियोलॉजी नहीं है अगर फिजियोलॉजी होता तो आपको फिजियोलॉजी को काफी डिटेल में पढ़ना होता ठीक है लेकिन आपका टॉपिक दो टॉपिक्स को कनेक्ट कर रहा है फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ दैट मींस फिजियोलॉजी कैसे आपके हेल्थ को प्रमोट कर रही है आपको इसमें ये चीज देखनी है तो पहले मैं आपको दूसरा की भी यही बता देती हूँ ताकि चल ये पढ़ते पढ़ते आपको एक आइडिया रहे हम जो पढ़ रहे हैं हम वो क्यों पढ़ रहे हैं ठीक है प्रमोटिंग हेल्थ क्या होता है या प्रमोटिंग हेल्थ बोल लो या हेल्थ प्रमोशन बोल लो देखो अगर कोई बीमार है किसी को कोई डिजीज है ठीक है तो उसमें आप मेडिकल इंटरवेंशन करोगे वो मेडिकल इंटरवेंशन कैसे होगी उसको कुछ मेडिसिन दोगे इंजेक्शंस दोगे ठीक करने की कोशिश करोगे वो एक तरीका होगा किसी को ठीक करने का एक तरीका होता है आपको हेल्थ को प्रमोट करना है दैट मीन्स आपको ऐसे लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना है जिससे आप डिजीजेस तक जाओ ही ना आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे आपको एक हेल्थ फैक्टर को प्रमोट करना है ना के बाद में डिजीज को केयर करना है ठीक है तो वो हेल्थ को प्रमोट करने की भी काफी चीजें होती हैं उसकी एक चीज डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी फिजियोलॉजी से क्योंकि फिजियोलॉजी क्या कहता है कि आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है फिजियोलॉजी आपको बोलेगा एक हेल्थी हार्ट जो है वो फलानी टाइम शुड बीट पर मिनट ठीक है वो एक फैक्चुअल फिगर होगा ये आपको फिजियोलॉजी बोलेगा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होंगे वो बोलेगा हेल्थी इंडिविजुअल का बीपी क्या होना चाहिए हेल्थी इंडिविजुअल का कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए ठीक है तो उन सब चीजों पे अगर आप फोकस करोगे उन सब चीजों पे अगर ध्यान दोगे जो एक फिजियोलॉजी ऑफ हेल्थी इंडिविजुअल एक डिजीज फ्री इंडिविजुअल आपको बताएगी उन सब चीज़ों से आप अपनी हेल्थ प्रमोट कर सकते हो अगर फिजियोलॉजी आपको बोलेगा कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए बीपी इतना होना चाहिए दैट मीन्स आपको अपने अंदर लाइफ में ऐसी चेंजेस लानी है आपको एक्सरसाइज करनी है आपको एक डाइट फॉलो करनी है जिससे क्या हो जाएगा आपकी हेल्थ की प्रमोशन हो जाएगी इस वजह से आपके जो दो टॉपिक्स हैं साथ में दिए हुए हैं ठीक है कई बार क्या होता है ना कि हम सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं एंड हमें अभी तक बेसिक ही नहीं समझ में आया होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कह क्या, क्या रहा है बेसिकली वो टॉपिक क्या है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कुछ भी पढ़ने से पहले आपको एटलीस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कीवर्ड्स की जो आपके सिलेबस में दी हुई है तो यहाँ पे क्या कीवर्ड्स दिए हुए थे फिजियोलॉजी एंड आपका प्रमोटिंग हेल्थ तो आई होप इट्स क्लियर नाउ वापस चलते हैं हम टॉपिक की तरफ फिजियोलॉजी इज इंटीमेटली लिंक्ड विद एनाटॉमी एंड वाज हिस्टोरिकली कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ मेडिसिन ठीक है एनाटॉमी के साथ कैसे लिंक्ड है एक डिफरेंस भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की एनाटॉमी बेसिकली आपको मैप बोलता है अपनी ह्यूमन बॉडी का वो मैप के सेंस में अगर आप बोलोगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट तो वो आपको बोलेगा हार्ट के कितने चेंबर्स हैं ठीक है इसमें कितनी ब्लड वेसल्स हैं इसका डिजाइन कैसा है तो आपको ये सारी चीजें आप पता चलेंगी हार्ट की ठीक है वीन्स इसकी वेसल्स इसके चेम्बर्स की डिजाइनिंग एनाटमी हुआ फिर अगर आप बोलोगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हार्ट कैसे काम कर रहा है आपकी बॉडी में दैट इज फिजियोलॉजी इसीलिए इट इज ऑफन बीइंग लिंक्ड विद एनाटॉमी आल्सो आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए तो ही आप फिजियोलॉजी को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे स्टोरिकली पार्ट ऑफ मेडिसिन ऑल्सो मेडिसिन की स्टडीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है फिजियोलॉजी एम बी बी एस जो करते हैं उनको फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़नी होती है जरूरी क्युं, आप पहले ही जाके डॉक्टर के पास जब जाओ वो पहले आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा ना उसको आपकी डिजीज समझने की समझ होनी चाहिए आपकी डिजीज वो डायग्नोज करे उसको उसके लिए आपकी बॉडी की समझ होनी चाहिए आपके ऑर्गन की फंक्शनिंग की समझ होनी चाहिए तो ये बेसिक है जहाँ से आपका मेडिसिन की स्टडीज भी स्टार्ट होती हैं तो इसीलिए इन दोनों चीजों से भी लिंक्ड है ये इम्फेसाइज करता है ऑन इन्वेस्टिगेटिंग बायोलॉजिकल विद द टूल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेड अच्छा ये जो इम्फेसाइज करता है बायोलॉजिकल मैकेनिजम्स पे विद फोकस ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इस चीज की वजह से क्या हुआ फिजियोलॉजी एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बन गया इन नाइनटीन सेंचुरी ठीक है पहले इसको लिंक किया जाता था एनाटमी और मेडिसिन के साथ ही वहां इसकी स्टडी होती थी लेकिन क्योंकि ज्यादा फोकस करता है जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो सब चीजें कैसे होती हैं इसकी स्टडी काफ़ी एक्सटेंसिव है फाइन इसका रिसर्च काफी वाइड है इस वजह से इसको हमें अलग डिसिप्लिन जो है वो लाना पड़ा इन नाइनटीन सेंचुरी तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो फिजोलॉजी जो है स्टडी है ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स बोथ व्हेन यू आर हेल्थी एंड व्हेन यू आर नॉट तो ये आपको क्या बोलता है कि आप डिजीज डिजीज कब होते हो ठीक है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कुछ लेवल का होना जैसे मैंने पहले भी कहा अगर उसे अप डाउन हुआ दैट मीन आपके ब्लड में कुछ थिकनिंग हो रही है वही आपका कोलेस्ट्रॉल बताता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं तो ये सारी चीजें फिजियोलॉजी से डिटर्मिन हो जाती हैं इस वजह से ही फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ जो है वो आपका एक यूनिट यहाँ पे रखा गया है सिलेबस में जब सिक होते हो या इंजर्ड होते हो तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की वो डिसरप्टेड होती है ठीक है वो फंक्शनिंग बॉडी की उस टाइम पे नहीं होगी अगर आप बीमार हो गए जब आप बीमार होते हो तो आपको फीवर होता है तो आपका जो पल्स रेट होता है वो काफी हाई होता है उस टाइम पे दैट मीन्स फंक्शनिंग जो है प्रॉपर आपके ऑर्गन्स की नहीं हो रही है तो वो सारी चीजें डिटर्मिन होती है फिजियोलॉजी से तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है फिजियोलॉजी जो है वो ऑफन दे वर्क एज अ पार्ट ऑफ टीम विद मेडिकल केयर प्रोवाइडर्स के साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ एंड बाकी रिलेटेड प्रोफेशनल्स के साथ ठीक है जैसे कि हर प्रोफेशन को एक हर डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ इंटरैक्शन चलता रहता है आप स्टैंड अलोन सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ते आप इंटीग्रेटेड वे में आपको पढ़ना पड़ता है वैसे ही फिजियोलॉजी के साथ भी है तो ये आपके लिए एक जॉइंट अंडरस्टैंडिंग लाता है बॉडी सिस्टम की इन अ होल बॉडी अप्रोच जो हमें हेल्प करता है टू स्टे अस स्टेल्थी सो वी कैन थ्रू आउट सो वी कैन लिव हैप्पीली थ्रू आउट आर लाइफ है तो वो है इसका फिजियोलॉजी का अप्रोच अब देखो ये तो वो फिजियोलॉजी का थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन हमें अब देखना है हमारे लिए क्वेश्चंस बनने के चांसेस कहाँ से हैं तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत पहले फिजियोलॉजी देखेंगे एंड फिर प्रमोटिंग हेल्थ में आपको देखो क्या देखना है हेल्थ में तो एक तो वो वाला पार्ट है आपकी स्कीम्स वगैरह जो मैंने आपको बोला एंड सेकेंडली यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लिंक देखेंगे आपकी न्यूट्रिशन का क्या है आपकी फिजियोलॉजी के साथ ठीक है न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी तो डू स्टे टिल दी एंड लास्ट में मैं आपको एक न्यूज पेपर आर्टिकल से हम एक बार आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में फिजियोलॉजी के रिलेटेड तो वहां से भी कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हो तो वो मैं डायरेक्टली आपको उनकी वेबसाइट से ही दिखाऊंगी ठीक है तो इसीलिए आप एंड तक जरूर डू स्टिक टिल दी एंड तो यहाँ पे बेस्ड ऑन एक्टिविटीज और फंक्शन हम दस मेजर सिस्टम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो फिजोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टेन ऑर्गन सिस्टम जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी और उन्हीं परफॉर्मेंस की वजह से हम अभी तक जिंदा हैं वी आर स्टिल अलाइव तो वो दस सिस्टम्स कौन से हुए पहला हुआ आपका स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम क्या करता है ये प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करता है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसमें आपकी बोन्स आती हैं। और कितनी टू हंड्रेड सिक्स बोन्स है कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं जो उन बोन्स को होल्ड करते हैं टुगेदर आपके लेगमेंट टेंटन एंड वेरियस ज्वाइंट दैट अलाउ फ्री मूवमेंट कनेक्टिंग द बोन्स ये सारी चीजें किसमें आती है आपके स्केल्टल सिस्टम ठीक है सेकेंड इज ए नर्वस सिस्टम अब जो आपके जो बोन्स है ये मसल्स हैं बोन्स को वो खुद नहीं हिलाती है ना ऐसा नहीं होता है कि आपके बाजू का मन किया और बाजू खुद उठ गया तो मसल्स डो नॉट मूव बोन्स बाई चांस कुछ सिग्नलिंग होती है अगर मेरे हाथ में इस टाइम पे डिजिटल पेन है जिससे मैं लिख रही हूँ वो हाथ मेरा खुद नहीं चल रहा है वो मेरे ब्रेन से कोई सिग्नल आ रही है ना हमने न्यूरो पहले भी पढ़ा हुआ है पुराने वीडियोज में तो सिग्नल ब्रेन से जनरेट होती है तो ही हम मसल्स अपनी मूव करते हैं तो सारा जो कॉर्डिनेशन होता है वो कहाँ से होता है दैट इज थ्रू नर्वस सिस्टम इसमें क्या क्या है आता है आपका नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है स्पाइनल कॉर्ड आता है एंड द नर्व्स जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है ठीक है थर्ड वन इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पता है हम क्या करते हैं फूड ये हमने कल भी मैंने आपको बताया फूड हम सॉलो करते, है, करते हैं इन्जेस्ट करते हैं ठीक है फिर उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है डाइजेशन होती है वो स्टमक से इंटेस्टीन्स में जाता है फिर एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा मेरी प्ले लिस्ट पर जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करी है ठीक so. तो है एनी मूवमेंट थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी रिक्वायर्स एनर्जी टू डू सो तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है फूड से मिलती है एंड कौन सा सिस्टम है जो फूड को एब्जॉर्ब करवाता है बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करता है दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम फोर्थ वन इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पता है हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स में इसका उल्टा होता है ठीक है तो वो सारा सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कौन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें कौन कौन से आपके पार्ट्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन द इंस्पिशन ऑफ ओ टू एंड एक्सपीरेशन ऑफ सीओ टू ये सीओ टू है, in है ऐसे यानी ओ टू है ठीक है तो वो हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो चार पढ़ लिया हमने फिफ्थ में नहीं जो सर्कुलेटरी सिस्टम अब जो हम खाना खाते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो खुद से तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा ना उसको हर सेल्स बॉडी की जो होंगी वहां तक मूव करना होगा उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होगा ताकि हर सिस्टम को हर ऑर्गन को वो एनर्जी मिले तो जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज हैं टेकन फ्रॉम द फूड बाई डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑक्सीजन जो हमें एयर से मिलता है बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट हैज टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द बॉडी वो पूरी बॉडी में होना चाहिए ऐसा नहीं माउथ पे आके रुक गया हमने सांस ली तो वो मुंह पे आके रुक गई वो बॉडी में सर्कुलेट होनी चाहिए तो वहाँ पे आपका काम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आ, के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कौन कौन है आपका आर्टरीज वीन्स कैपिलरीज एंड हार्ट तो ये सारे जो एम सी क्यूज यहाँ से आपके बन सकते हैं रेस्परेटरी सिस्टम में क्या आता है एंड आपका स्केल्टल सिस्टम में क्या क्या है नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप याद करोगे जो ब्लड है वो कैरी करता है ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ठीक है जो हार्ट मसल्स है वो क्या करती हैं पंप करती हैं ब्लड को इनटू द ब्लड वेसल्स तो हार्ट मसल्स क्या करती हैं पंप ब्लड को इन द ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स ऐसे सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू कहां से भी बन सकते हैं ठीक दिस वन वॉज योर फिफ्थ और सिक्स फोर्थ फिफ्थ दिस वॉज वन दिस वन वॉज फिफ्थ ठीक है सिक्स हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम अब क्या होता है ऑल दो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो फैली हुई होती हैं पूरी जहाँ से बॉडी आपको ब्लड ट्रांसमिट होता है लेकिन वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे भी जो फूड है आपका जहाँ से जो न्यूट्रेंट्स रिलीज करता है आपकी बॉडी में ठीक है जहाँ से एनर्जी हो मिलती है आपको फूड से वो हर इंडिविजुअल सेल तक नहीं पहुँच पाता है ठीक है तो वहां पे आपका क्या काम आता है लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम में काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको लाइफ लॉन्ग के लिए क्लियर रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम मानो आपके जिस एरिया में आप रहते हो आप कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स डिलीवर करवा रहे हो ठीक है लेकिन जिस एरिया में आप रहते हो वहां डिलीवरी सिस्टम नहीं है तो वो आपके घर आके डिलीवर नहीं कर सकते हैं आस के सारे घरों में कर रहे हैं फाइन तो वहां पे जब डिलीवरी नहीं है लेकिन वो चीजें जो है वो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऐसे में क्या आता है एक नया डिलीवरी सिस्टम आता है जो कहते हैं आपको फिकर नहीं करो मैं आके आपको क्या करूंगा इंपॉर्टेंट आइटम्स डिलीवर करूंगा वो जो इंपॉर्टेंट डिलीवरी सिस्टम है उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम ठीक है अब ये काम कैसे करता है आपकी बॉडी में क्या होता है एक कलरलेस फ्लूड होता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं मानो ये वो ट्रक है जिसपे वो सामान रखा हुआ है ठीक है जो आपके घर की तरफ आ रहा है वो आपके क्या हुआ आपका एक कलरलेस फ्लूड हुआ लिम्फ फ्लूड टाइप ठीक है वो क्या करता है वो छोटे छोटे रास्ते ढूंढता है जहां से वो आपके घर पहुंच सके तो जो छोटे छोटे रास्ते हैं उनको हम बोलते हैं आपकी लिम्फ ठीक है तो लिम्फ वेसल्स से क्या करता है जहां पे अब लिम्फ ये क्या करता है जो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के हर जगह नहीं पहुंच पाते जो जो चीजों को जाना होता है उनको लिम्फ हेल्प करता है लिम्फ वहां जाने में और वो किन जगहों से जाता है लिम्फ फेसल्स से होके गुजरता है और रस्ते में इनको क्या मिलते हैं लिम्फ ग्लैंड मिलते हैं लिम्फ ग्लैंड्स पे क्या होता है उन पे आपके डब्ल्यू बी सी बैठे होते हैं जो क्या करते हैं कोई भी जर्म्स वगैरह अगर रस्ते में मिलेंगे उनको वो खत्म करते हैं ठीक है तो मानो ये लिम्फ ग्लैंड चेक पॉइंट हो गया आपके घर के रस्ते के जो क्या करेंगे चेकिंग करेंगे सही सामान जा रहा है कि नहीं तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो लिम्फेटिक सिस्टम जो डायरेक्टली आपके बॉडी में नहीं पहुंच पाता सारे ब्लड वेसल वैसे काम नहीं कर पाते कि सब कुछ इंडिविजुअल सेल्स तक रीच करे वहां पे आपका नया सिस्टम आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम उसमें क्या होता है लिम्फ जो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूड होता है वो लिम्फ वेसल से ट्रैवल करके वो सारा सामान जो है डिलीवर कर देता है इंडिविजुअल सेल्स पे एंड रस्ते में उसको डब्ल्यू वगैरह मिलते हैं जो क्या करते हैं कोई जर्म्स वगैरह के लिए चेक करते हैं जो सामान डिलीवर कर रहा है उसमें कोई जर्म्स वगैरह तो नहीं तो ये हुआ आपका सिक्स्थ एंड दिस इज वन दिस वन इज योर सेवेंथ सिक्स्थ था वो नहीं वो फिफ्थ था दिस वन इज योर फिफ्थ एंड लिम्फेटिक हो गया आपका सिक्स्थ देन सेवेंथ इज योर नर्वस सिस्टम ये हमने कहा सारा जो कोऑर्डिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटरस जिससे क्या होता है मैसेजेस पास होती है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक फाइन वो आपका नर्वस सिस्टम देखता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो सारे आपके हॉर्मोन्स रिलेटेड चीजें होती हैं वो कौन देखते हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम देखता है तो दिस वन इज सेवेंथ एंड दिस वन इज योर एट्थ फिर आपका नाइन्थ हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टेंथ हो गया इम्यून सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पता है किस लिए काम आता है फॉर गिविंग बर्थ ठीक है एंड ये भी डिफरेंट होता है फीमेल्स का अलग मेल्स का अलग एंड इम्यून सिस्टम होता है आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई भी अगर आपकी बॉडी में उनको लगता है कि इन्वेड कर रहा है कोई जर्म्स आ रहे हैं तो आपकी बॉडी के अपने अच्छे वाले जर्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उन बुरे जर्म्स के साथ फाइट करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम तो ये दस सिस्टम्स हैं जो आपकी ह्यूमन फिजोलॉजी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या आपकी फंक्शनिंग बॉडी की हो रही है अब अगर हमारा टॉपिक सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी होता तो हम इसको इन डिटेल पढ़ते एक एक चीज को ठीक है पर चूंकि हमें फिजियोलॉजी के साथ हमें कहाँ जंप करना है प्रमोटिंग हेल्थ पे हमारा जो ध्यान है वो उस तरफ भी होना चाहिए अब आगे देखो स्टिल कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्योंकि फिजियोलॉजी लिखा हुआ है एंड प्रमोटिंग हेल्थ से ज्यादा कुछ एमसीयूज बनने के चांसेस नहीं है तो हो सकता है आपको इस बात पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आप याद रख लेना ह्यूमन बॉडी के 206 हड्डियां हैं अंदर स्मॉलेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी की इज द स्टेप्स बोन मिडिल एयर की एडल्ट्यूमन बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ सिक्सेंट वॉटर ब्रेन कंज्यूम्स अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ बॉडीज ऑक्सीजन एंड एनर्जी एक ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सिमेटली सिक्स हंड्रेड मसल होती है हार्ट जो है वो पंप करता है अबाउट फाइव लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट एट रेस्ट ठीक है अब अगर किसी एक्टिविटी में हो उस टाइम पे ज्यादा हो जाएगा एंड कोई बीमार है उसका कम होगा तो अकॉर्डिंगली हमें सिकनेस और इलनेस का भी पता रहता है लंगस जो है कंटेन अबाउट थ्री हंड्रेड मिलियन एलव्यूलाई फॉर गैस एक्सचेंज ठीक है जो एवरेज एडल्ट है वो ब्रीथ्स अबाउट ट्वेल्व टू ट्वेंटी टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट किडनीज जो है फिल्टर करती हैं अप्रॉक्सिमेटली वन ट्वेंटी लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे एंड जो ह्यूमन बॉडी है कंटेन्स अबाउट थर्टी सेवन पॉइंट टू ट्रिलियन सेल्स ऑन एवरेज तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी ठीक है तो देखो मेरे इन नोट्स बनाने के दो तरीके आपके हो सकते हैं या तो जो पी डी एफ में अपलोड करती हूँ टेलीग्राम पे वहाँ से आप डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हो सेकेंड तरीका क्या है कि आप जो मैं बोल रही हूँ उसके रिटर्न नोट्स बनाओ मेरे जो वबल ये है चीजें उनसे कुछ लेके एंड जो मैंने इन पीडीएफ पे लिखा हुआ है एंड जो ये तरीका है वो ज्यादा अच्छा तरीका है क्योंकि आपकी वीडियो के साथ साथ आपका माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन सही रहेगा और आप खुद से नोट्स बनाओगे एंड क्या होता है सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा क्योंकि वीडियोस में मैं सिर्फ पीडीएफ रिपीट नहीं करती हूँ कुछ नई चीजें भी बोलती हूँ एंड काफी एक्सप्लेन भी करती हूँ छोटी छोटी चीजों को ठीक है तो वो आपको तभी आप ग्रेस्प अच्छे से कर पाओगे जब आप अपने रिटर्न नोट्स साथ साथ बनाओगे तो आई वुड सजेस्ट की आप अपने रिटर्न नोट्स बनाओ वो ज्यादा बेटर वे है अब ये बात मैंने यहाँ पे अभी क्यों बोली क्योंकि क्वेश्चन आप ऐसे मुझे पूछते रहते हो तो जो थोड़े बहुत फैक्ट्स फिजियोलॉजी को और लेके थेल्स जो है मिलिटोस एक जगह है टर्की में ही वॉज नोन एज अ फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट वो काफी पुराने थे ठीक है लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में विलियम हार्वे जो है उनको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट ये जो हरमेन बोशवे हैं ये फिजिशियन एट लेडन इन्होंने डिस्क्राइब किया है फिजोलॉजी को एज साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस और एल्ब्रेश वॉन हेलर जो है इन्होंने पहली टेक्स्ट बुक लिखी है फिजियोलॉजी पे तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रख सकते हो हम फिजियोलॉजी को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पहले आपकी जेनरल फिजियोलॉजी हो गई जो सारे लाइफ फॉर्म्स को पड़ेगी जितने लाइफ फॉर्म्स दुनिया में है एनिमल हो ह्यूमन हो प्लांट हो वायरस हो बैक्टीरिया हो सबको पड़ेगी बाकी हो गया आपका फिजोलॉजी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल जिसमें आप पैथोलॉजी पढ़ोगे डिजीजे के बारे में पढ़ोगे क्या नॉर्मल फिजोलॉजी नहीं है वो सारी चीजें एंड उनको कंपेरेटिवली आप स्टडी करोगे अलग अलग आप रेस को लेके अलग कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हो अलग जेंडर्स को लेके कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हो ठीक है तो वो यहाँ पे आ जाता है प्लांट फिजोलॉजी एक अलग कैटेगरी है जहां पे आपके क्या जिसमें क्या इंक्लूड होता है फोटोसेंसिस या बाकी सारे प्रोसीजर्स जो रिलेटेड हैं किसके प्लांट लाइफ के तो ऐसे करके आप तीन ब्रॉड डिविजन्स में भी इसको रिकग्नाइज कर सकते हो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं फिजियोलॉजी की वो हम देखते हैं वायरल फिजियोलॉजी वो डील करती है विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वायरसेस बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया का करेगा प्लांट जो प्लांट का करेगा इनकी ग्रोथ रिपोर्डक्शन मेटाबोलिज्म एंड डिफेंस मैकेनिज्म सेल्यूलर होगा जो सेल्स वगैरह से रिलेटेड ये सारी चीजें करेगा ठीक है हमारा कंसर्न यहाँ पे है ह्यूमन साइकोल ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्योंकि इट इज अ साइंस ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन इन फिटनेस एंड इलनेस एंड यही हमारा टॉपिक है बेसिकली फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ तो यहाँ पे हमें क्या करना है हमें डिटेल में सिर्फ ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना है किसकी ये ब्रांच है वो ब्रांच है वो ब्रांच है बिकॉज टॉपिक इज नॉट ओनली अबाउट फिजियोलॉजी यू हैव टू टू कनेक्ट द टॉपिक्स फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ एंड वो आपका पार्ट आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में इवन ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी एक सब पार्ट है मेडिसिन तो मेडिसिन फिजियोलॉजी में आप बेसिकली पढ़ते हो कि कैसे फिजियोलॉजी आपके फिटनेस या आपकी इलनेस से रिलेटेड है तो ये डिस्क्राइब करता है बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिहाइंड द बेसिक बॉडी फंक्शन मैंने आपको बोला क्या फिजिक्स एंड क्या केमिस्ट्री ये हमें हेल्प करता है नोइंग द बेसिक बॉडी फंक्शन एंड टू फाइंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस तो, तो दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है इट हेल्प अस टू अंडर कॉम्प्रेहेंड वट अकर्स इन अ हेल्थी बॉडी एंड नॉर्मल लाइफ एंड वट गोज ऑन वन समन गेट सिक ठीक है जैसे मैंने आपको बीपी कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोज हमारा क्या होना चाहिए वो फिजोलॉजिकल पैरामीटर्स नॉर्मल क्या है फाइन आपका हार्ट हेल्थ कैसी होनी चाहिए वो सारी चीजें उसमें हेल्थ uh, क्या आता है एंड उसमें सिक किस में इंक्लूड होगा तो वो सारी चीजें फिजियोलॉजी का पार्ट है इसीलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ये हमारे प्रमोटिंग हेल्थ से रिलेटेड है अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी उसमें आगे आपका सेल फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ सेल जिसमें देखते हैं स्पेशल फिजियोलॉजी जिसमें हम स्पेसिफिक ऑर्गन को स्टडी करते हैं उनकी फिजियोलॉजी सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी है जो डील करता है विद द फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम सच एज कार्डियोवेस्क्यूलर फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी जो डिजीज के साथ डील करता है इफेक्ट ऑफ डिजीजे क्या होती है ऑन द ह्यूमन बॉडी और ऑन द ऑर्गन सिस्टम ठीक है तो ये टाइप्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई अब फिजियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन विच वी बिल्ड अ नॉलेज अबाउट मतलब फाउंडेशन ऑफ लाइफ ही होगी ना क्योंकि बेसिकली आप क्या बोल रहे हो आप बोल रहे हो एक हेल्थी इंडिविजुअल जो है वो कैसा होना चाहिए तो आप लाइफ के बारे में बोल रहे हो डिजीजेस को कैसे ट्रीट करोगे फर्दर आप वो बोल रहे हो स्ट्रेस फिजियोलॉजी भी एक है जो आपको हेल्प करती है कूप अप करने के लिए स्ट्रेस से एंड डील विद व वेरियस एबनॉर्मेलिटीज हमारी बॉडी में जो पैदा हो जाती है उनको कैसे डील करना है टैकल करना है वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है अब हम देखते हैं थोड़ा हेल्थ प्रमोशन का अभी तक हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी देखा फिजियोलॉजी का बेसिक देखा इन्फॉर्मेशन कुछ फैक्ट्स देखे उसके रिगार्डिंग कुछ लोगों के नाम देखे ठीक है एंड देन हमने देखा फिजियोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी के टाइप्स क्या हैं अब कुछ हेल्थ प्रमोशन देखते हैं अब हेल्थ प्रमोशन क्या है इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल चेंज देयर लाइफ स्टाइल ताकि वो अपनी ऑप्टिमल हेल्थ जो है दैट मीन्स अपनी पीक हेल्थ अच्छी पॉजिटिव हेल्थ जो है वो अचीव कर पाएं ठीक है अब उसके क्या क्या अप्रोचेस होते हैं हेल्थ प्रमोशन के क्योंकि हेल्थ प्रमोशन हमें अलग से भी थोड़ा देखना है क्योंकि कीवर्ड मेंशन है आपके सिलेबस में प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोच विल कम बैक टू दिस लेटर पहले ये देखते हैं बिहेवियरल चेंज अप्रोच बिहेवियरल चेंज अप्रोच क्या होता है आप स्मोकिंग करते हो छोड़ दो ड्रग्स लेते हो छोड़ दो दैट मीन्स अपने बिहेवियर में चेंज लेके आओ तो ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी सोशल एनवायरमेंटल अप्रोच क्या हुआ आप कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आओ जैसे स्कूल में कोई पॉलिसी बनी ठीक है रिगार्डिंग कि आपकी फिजिकल हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसी कोई पॉलिसी बनी कि आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम रखा स्कूल वालों ने कि ये एक्सरसाइज प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जैसे आपकी हेल्थ प्रमोट हो जाए वो आ गया सोशो इन्वायरमेंटल अप्रोच हार्म मिनिमाइजेशन अप्रोच हो गया कि बेसिकली कुछ लोगों की आदत होती है ना वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है उनका कि उनको पता है कि रिस्की है सिगरेट पीना वो फिर भी पियेंगे ड्रग्स लेना रिस्की है वो फिर भी ड्रग्स लेंगे तो हार्म मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं उसके रिस्क को आ, कम करने की कोशिश रिस्क को नहीं बेसिकली जो उसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं विदाउट एलिमिनेटिंग कंप्लीट यूज़ फॉर एग्जांपल स्कूल के इर्द गिर्द कुछ शायद वन की टू किलोमीटर्स तक सिगरेट शॉप कोई नहीं होनी चाहिए ऐसा कोई लॉ है इन प्रैक्टिस तो ऐसी चीज़ें ला जिससे हम थोड़ा बहुत मिनिमाइज़ कर सकें उसके हार्म को जीरो टॉलरेंस अप्रोच होता है आप स्ट्रिंजेंट लॉज बनाओ इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाओ इन चीजों के लिए जैसे ड्रग्स रिलेटेड लॉज हैं हमारी कंट्री में तो ये सारी अप्रोचेस हैं जो हम फॉलो करते हैं हेल्थ प्रमोशन के लिए तो इसमें मैंने आपको कहा था अप्रोचेस जो ये हैं प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोच ये हम बाद में देखेंगे तो बेसिकली आपका जो हम फिजियोलॉजी है ये आपका प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोच ही है तो ये क्या देखता है ये देखता है कि फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी फिट है कि नहीं अगर नहीं है तो उसको आपको कैसे ठीक करने की कोशिश करनी है जैसे थ्रू एक्सरसाइज करो या लाइफ स्टाइल अपना चेंज करने की कोशिश करो ठीक है उसमें फिर अपना बिहेवियरल अप्रोच वाला पार्ट लाओ थोड़ा बहुत अपनी बिहेवियरल चेंजेस जो है वो करना शुरू कर दो ताकि फिजियोलॉजिकली आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे प्रॉपरली फंक्शन करें तो रिलेशन क्या है बिटवीन फिजियोलॉजी एंड हेल्थ प्रमोशन अब इनका रिलेशन देख लो फिजियोलॉजी पहले हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए बॉडी करते अगर हमें हार्ट का फंक्शन पता हो कि हार्ट ब्लड पंप आउट करता है आपकी बॉडी में तो हम क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम काम कर सकते हैं फाइन ये आपको पता है कि आपकी किडनी जो है फिल्टरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें बोला जाता है पानी ज्यादा पियो तो ये आपके अगर किसी किडनी में स्टोन्स वगैरह होते हैं तो बोलते हैं वो वाटर ज्यादा पी के आपके यूरिन से एलिमिनेट हो जाएगा तो वो चीज आपको कैसे पता है कि वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आपको ये पता है कि किडनी का क्या फंक्शन है तो ये अंडरस्टैंड करते हैं बॉडीली फ़ंक्शंस को जिससे आपकी रिलेशन जो बताता है फिजियोलॉजी एंड हेल्थ प्रमोशन का क्या है आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स ये हेल्प करता है रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने में कि अगर किसी के ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों सही से काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपको थ्रू इट स्टडीज़ पता चलता है एक बार ही आपको रिस्क पता चल गया आपको ये पता चल गया बॉडी कैसे एक्चुअली फंक्शन करती है तो आप क्या कर सकते हो आप इफेक्टिव इंटरवेंशन डेवलप कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट जो है वो हेल्दी नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो आपको बोला जाएगा लाइट एक्सरसाइज करो मॉडरेट टू ब्रिस्क वॉक किया करो ठीक है आपकी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है या कुछ प्रॉब्लम है किसी को यूटीआई हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह तो उसको बोलते हैं वाटर पियो ठीक है तो ये सारे इंटरवेंशन आप कब लाओगे जब आपको पता होंगे बॉडी क्या फंक्शन करती है और आपने वो जो रिस्क फैक्टर है वो अच्छे से आइडेंटिफाई करे होंगे आप मॉनिटर कर सकते हो हेल्थ आउटकम्स ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला जैसे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स बीपी नॉर्मल क्या होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कितना होता है ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए बॉडी का ये सारी चीजों को आप मॉनिटर कर सकते हो अगर आपको फिजियोलॉजी की नॉलेज होगी पर्सनलाइजिंग हेल्थ रिकमेंडेशन अब आप कस्टम मेड हेल्थ रिकमेंडेशन दे सकते हो वो कैसे हमें पता है कि फिजियोलॉजिकली जो है फंक्शनिंग ऑर्गन की जो होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है आपके सेक्स के अकॉर्डिंग आपकी एज के अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो हार्ट बीट पर मिनट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा अगर और मेल्स का थोड़ा डिफरेंट होगा ठीक है एंड आपके जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं बच्चों का डिफरेंट होता है हार्ट रेट कितना होगा बच्चों का दिल काफी तेजी से धड़क रहा होता है एंड आपके जो एल्डर्स हैं उनका अलग होगा फाइन तो जिस हिसाब से ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में डिफरेंस होगी उस हिसाब से आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकोगे प्रमोटिंग लाइफस्टाइल स्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें क्या आ गया आपका एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन डाइट एंड ये सारी चीजें रेकमेंड करने के लिए एक जो फिजोलॉजी है आपके जो वो होगा स्पेशलिस्ट उसको फिजोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए बॉडी के ऑर्गन की फंक्शनिंग function, फंक्शनिंग की नॉलेज होनी चाहिए तो ही वो ये सारी चीजें आपको बता सकेगा कि किस एज के लिए कितनी एक्सरसाइज ठीक है किस जेंडर के लिए कितनी एक्सरसाइज ठीक है ठीक है या किस एज ग्रुप को कैसा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ये तभी होगा जब उसको फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस का पता होगा फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग का पता होगा तो इससे भी आपको पता चलता है एक रिलेशन बिटवीन फिजियोलॉजी एंड आपकी हेल्थ प्रमोशन के बीच में अब फिजियोलॉजी एंड हेल्थ का थोड़ा और कुछ देख लेते हैं फिजियोलॉजी जो है, एक है ये एक इंटरलिंक है बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थी ह्यूमन बॉडी ये इंड्यूस कर इंक्लूड करता है प्रोसेस लाइक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये सारी चीजें ह्यूमन के बॉडी के अंदर हो रही होती हैं केमिकल प्रोसेस डाइजेशन की जो हमने बताया तो न्यूट्रिएंट्स से हमें जा सारी चीजें मिलती हैं एंड देन ये क्या करता है फिजियोलॉजी इन्हीं सारी चीजों को स्टडी करता है तो बेसिकली आप बोल सकते हो एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी अगर है हेल्थी ह्यूमन बॉडी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है ठीक है और कितना क्या न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसका एक लिंक आपको कौन देता है फिजियोलॉजी क्योंकि फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन बॉडी को और उस ह्यूमन बॉडी को काम कौन करवा रहा है जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है तो इसीलिए इसको एक इंटरलिंक भी बोला जाता है ठीक है एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन डेली लाइफ जो है अप्रोप्रिएट्स फॉर द फिजोलॉजिकल डिस्टर्बेंसिस कॉज्ड अब किसको अगर कम न्यूट्रिय मिल गया तो फिजोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गई बॉडी में ठीक है तो फिजियोलॉजी अगर सही से नहीं हो रही है दैट मींस फिजियोलॉजिकली अगर आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो सही से नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स में गड़बड़ है फाइन वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है एनी न्यूट्रिएंट विच इज एक्सेस और डेफिशेंट कैन कॉज ऑल्टरेशन इन द जनरल मेटाबॉलिज्म एंड द हेल्थ ऑफ ए पर्सन ठीक है तो ये सारी चीजें जो है आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वेल well बैलेंस्ड होने चाहिए तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स आपको मिलने चाहिए और उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है आपके फिजियोलॉजी के साथ तो न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से है मेन जो हमने देखे थे कल भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपके प्रोटीन्स फैट्स वाइटामिन मिनरल्स उसका हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है आपकी फिजियोलॉजी के साथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हो गया पहले कार्बोहाइड्रेट्स का वो आपको क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज ठीक है वो किसके लिए काम आता है आपके सेल फंक्शनिंग के लिए इंक्लूडिंग आपकी ब्रेन सेल्स वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली कहाँ पे स्टोर होते हैं आपके लिवर में एंड आपकी मसल्स में वो जो बॉडी है वो कन्वर्ट करती है जितना सारा कार्बोहाइड्रेट्स है उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करती है तो इसीलिए अगर किसी का शुगर लेवल ऑलरेडी हाई होगा तो उसको कार्बोहाइड्रेट को भी कंजम्पशन उसको रिड्यूस करने के लिए बोला जाता है फैट्स जो है एक बार आप खाना बंद कर दो तो आपकी जो बॉडी है इट बिगिंस टू लिव ऑन इट्स फैट जो ऑलरेडी आपका स्टोर्ड फैट है फैट में क्या होता है हमारे फैट कहाँ डिपॉजिट होते हैं आपके एडिपोज टिश्यू में या जिसको एडिपोसाइट्स भी बोला जाता है दे आर लोकेटेड एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ठीक है इट गिव्स टू वाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स और आपको क्या करते हैं फैट ये आपको वार्म रखते हैं ड्यूरिंग कोल्ड सीजन इसकी बेस्ट एक्साम्पल है जिनका थोड़ा वजन ज्यादा होता है उनको ठंड कम लगती है उनको गर्मी ज्यादा लगती है क्यों क्योंकि जिनमें फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है और जो फैट होता है ये बॉडी का एज जो आप बोलते हो शॉक एब्जॉर्बर भी थोड़ा होता है ये कि उनको अगर आप अम uh, किसी का अगर फैट ज्यादा है आप उसको थोड़ा मारो मतलब पीठ पे मारो बाजू पे अगर फैट ज्यादा होगा उनको उतनी नहीं लगेगी जितनी एक पतले इंसान को लगेगी जिसको लगेगा सीधे उसकी हड्डी पे मारा है ठीक है क्योंकि जो फैट है वो एज शॉक एब्जॉर्बेंट पे एक्ट करता है इट हेल्प्स टू एंकर किडनीज एंड अदर ऑर्गन द फैट जो है अराउंड जॉइंट मसल फाइबर एटसेट्रा एक्ट एज अ क्वेश्चन टू प्रिवेंट द इंजरी जो मैंने अभी आप आपको बताया अगर आप कुछ टाइम के लिए खाना बंद कर दो तो आप मर नहीं जाओगे जो फैट है वो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे आपका और एक टॉपिक आता है वेट अगर किसी को लूज करना होगा तो इंटरमीडियंट फास्टिंग क्या होता है इस बारे में वो थोड़ी रिसर्च करना ये एक बहुत इफेक्टिव एंड हेल्थी वे है वेट रिड्यूस करने का प्रोटीन्स जो है दे फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स थ्रू किन से बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं अमाइनो एसिड से वो पास करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड गो टू लिवर वेयर दे आर ब्रोकन डाउन फर्दर फॉर रिपेयर मैकेनिज्म तो प्रोटीन्स का काम हमने कल ही देखा था बेसिकली क्या है ग्रोथ एंड रिपेयर का और प्रोटीन रिच फूड कौन से हुए आपके मिल्क चीज मीट्स एग्स एंड नट्स ये जो एसिड्स होते हैं आपके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोला जाता है ये बेसिकली बने होते हैं आपके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड आपके सल्फर आइटम्स से भी तो ये कैसे होते हैं ये एक्चुअली एक चेन की तरह होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक ए चेन जो कनेक्टेड होते हैं बॉन्ड्स से जिनको हम पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स ठीक है और ये जो कनेक्शन ये जो एक चेन होती है यही आपका बनाती है प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल तो हो सकता है प्रोटीन के अंदर आप अमाइनो एसिड का भी पूछ लें तो बस इसमें इतना ही कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड ये आज रख लेना ट्वेंटी अमाइनो एसिड जो होते हैं जो कॉमनली फाउंड होते हैं आपके प्रोटीन्स में इनका यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ठीक है ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स तो वाइटामिन मिनरल्स ये भी मेजर रोल प्ले करते हैं बॉडी के फंक्शनिंग में वाइटामिन ए जो है वो जरूरी है आपके नाइट विजन एंड आईज के लिए वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्वेल्व कॉम्पोनेट जो हेल्प करते हैं बॉडी को फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में इन मेनी वेज लाइक नर्व ट्रांसमिशन आरबीसी फॉर्मेशन एंड स्किन टेक्सचर वगैरह वाइटामिन सी है स्मॉल ब्लड फॉर स्मॉल ब्लड वेसल्स और वर्क करने के लिए अगेंस्ट स्कर्वी स्कर्वी वो प्रॉब्लम जिससे वो टीथ में से खून वगैरह आता है ना दैट इज रिलेटेड टू स्कर्वी विटामिन डी जो है ई दैट इज फॉर बोन्स एंड स्किन डेवलपमेंट एंड विटामिन के इज फॉर ब्लड क्लॉटिंग तो ये कुछ विटामिन के फंक्शन है ये भी देख लेना दस हम बोल सकते हैं जो भी फूड कॉम्पोनेट्स हैं दे प्ले अ मेजर रोल फिजियोलॉजिकली इन मेंटेनिंग हेल्थ स्टेटस बाय देयर ओन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स ठीक है तो ये सारे जो फूड कॉम्पोनेट्स हैं ये क्या करते हैं ये फिजियोलॉजिकली आपको क्या कर रहे हैं मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं एक हेल्थ स्टेटस ठीक है तो इसीलिए आपका जो फिजियोलॉजी है वो आपके हेल्थ प्रमोशन से डायरेक्टली रिलेटेड है नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ जैसे मैंने आपको कहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार इसके रिलेटेड आर्टिकल लिखाया था तो वहां से हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो मिल जाए आपके लिए तो नेक्स्ट हम एक मिनट हाँ ये देखते हैं फिजियोलॉजी एक्सप्लेन द स्टडी ऑफ ह्यूमन द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स ठीक है तो इस पे शायद मेरा पेन नहीं चलेगा हां मैं कमेंट्स नहीं कर सकती इस पे तो लेकिन आप ये आर्टिकल जो है एक बार ही देख लो तो इसमें लिखा क्या है फिजियोलॉजी स्टडी करता है हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क इंक्लूडिंग द फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम सेल ऑर्गन वगैरह एंड द मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टासिस हम आगे देखेंगे क्या होता है तो बेसिकली ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं फिजियोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ साइंस से दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन अगेन सेम चीज है यहाँ पे देख लो लेट्स एक्सप्लोर एक्सप्लोर फिजोलॉजी इन सिंपल टर्म्स तो इसमें क्या 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 इंक्लूड होता है आपका ह्यूमन बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ आपका नर्वस सिस्टम कार्डियोस्कुलर सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आपका मस्कुलर स्केल सिस्टम ठीक है जो फिजोलॉजी है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं हाउ दू सिस्टम्स वर्क इंडिविजुअली एंड कोलेबरेटिवली टू एंर बॉडीज प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे कैसे काम करते हैं जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या आता है लंग्स एंड एयर वेज आगे तो वो क्या करेगा ऑक्सीजन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करेगा सेल्फ फंक्शनिंग फिजोलॉजी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स भी देखता है ये कैरी आउट करते हैं हाउ जो सेल्स हैं कैरी आउट ये एक्सप्लोर करता है हाउ जो सेल्स हैं दे कैरी आउट स्पेशलाइज टास्क कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड मेंटेन होमो वो भी हमें नीचे देखने हैं फॉर एग्जाम्पल जो न्यूरोन है द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल मैंने आपको बताया कि जो काम जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो जिस मैं आके बोल नहीं रही हूँ तो मेरे दिमाग से क्या हो रहा है सिग्नलिंग हो रही है कि मुझे ये बोलना है तो वो सारा कंट्रोल करना वो भी फिजियोलॉजी का एरिया ऑफ कंसर्न है ऑर्गन फंक्शनिंग भी देखते हैं हार्ट कैसे काम कर रहा है पंप ब्लड कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी या नहीं ऑक्सीजन डिलीवर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं जो फिर नहीं डिलीवर होते हैं वहाँ पे आपका क्या आता है लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है सामने तो ये सारा ऑर्गन फंक्शनिंग भी किसका काम है आपके फिजोलॉजी का और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपकी हेल्थ प्रमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपकी ऑर्गन फंक्शनिंग सही से हो रही है तो ही आपकी हेल्थ से प्रमोट होगी एंड होमोस्टेसिस क्या होता है दरअसल आपके बॉडी में एक एबिलिटी होती है टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ अगर एक्सटर्नल uh, चेंज हो रही है ठीक है दैट मीन्स अगर बॉडी जो है बाहर से टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा उसको लगेगा कि बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी स्वेटिंग शुरू हो जाएगी तो उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ होमस्टैसिस होता है होमोस्टैसिस में बेसिकली आपको दो टाइप ऑफ फीडबैक मिलते हैं पॉजिटिव फीडबैक एंड आपका नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक में ये वाली एग्जांपल होगी जो मैंने अभी आपको बताई अगर टेम्परेचर बाहर बहुत इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी खुद को खुद ही कूल डाउन करेगी अपना टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस करके कैसे स्वेटिंग होती है तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक हुआ पॉजिटिव फीडबैक आप मान लो जब किसी की डिलीवरी होती है तो आपका जो यूट्रस है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है काफी बेबी को पुश करने के लिए तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उस टाइम पे आपका ऑक्सीटोसन हार्मोन रिलीज होता है ठीक है तो वो हार्मोन रिलीज हुआ उस टाइम पे आपकी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होता है जितना जो वो हार्मोन रिलीज हो जाएगा उतनी ज्यादा जो यूटरस की कॉन्ट्रेक्शन है वो इंटेंस होना शुरू हो जाएंगी तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेसिकली बॉडी जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंजेस के डिस्पाइट अपना जो इंटरनल ये है मैकेनिज्म उसको स्टेबलाइज करने की ताकत रखता है वो है आपका प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस एंड वो भी आपके फिजियोलॉजी के अंडर आता है तो हो सकता है आपको होम्योस्टैसिस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है फिर आगे आपका एक्सरसाइज एंड अडाप्टेशन ये भी सिंपल है कि बॉडी अडाप्ट कैसे करती है आप एक्सरसाइज करते हो आपको पता है कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है ठीक है उसके लिए बाद में क्या होगा आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी दैट मीन्स इससे क्या हो जाएगा आपकी रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है इट लीड्स टू एडेप्टन इन द कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम ठीक है आपको पता है कि इंक्रीज हार्ट स्ट्रेंथ एंड एफिशेंसी जो है आपकी वो क्या करेगी आपको सपोर्ट करेगी हेल्प करने के लिए ताकि आप ग्रेटर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ फिर हेल्थ एंड डिजीज देन अगेन ये आपकी हेल्थ जो है डिजीज डिटेक्ट हो सकती है इससे कि आपके ग्लूकोज लेवल बराबर है कि नहीं उससे आपको पता चलेगा किसी को डायबिटीज तो नहीं है तो ये सारी चीजें आपको कौन हेल्प करते हैं फिजियोलॉजी डिटर्मिन करने में और ये सारी चीजें आपकी हेल्थ प्रमोट करते हैं लास्ट में देख लो इन समरी जो फिजियोलॉजी है इसको बोल सकते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन इट्स अ स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स ये एक्सप्लोर करते हैं फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम सेल्स ऑर्गन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस तो होमियोस्टैसिस भी फिजोलॉजी का पार्ट है बाई अंडरस्टैंडिंग फिजोलॉजी साइंटिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड दे गेट इन साइड इंटरनॉमल बॉडी ली डिजीजे प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबिंग तो अगर कोई कंसेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ से आप वो जो है टैकल कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और मुझे इन्फॉर्मेशन लगा आपके लिए फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है तो सप्लीमेंट्री नोट्स में एड करती रहूँगी डोंट वरी अबाउट दट वो आपको बाद में टेलीग्राम पर मिल जाएगी ठीक है तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाई टेक केयर हैवे अ ग्रेट डे